नमस्कार प्रणाम यू कैन से द ग्रो स्किल्स एकेडमी में आप सभी का यूं कह ले स्वागत है राइट वेल आई एम सॉरी फॉर द कन्वीनियंस कॉस्ट टू यू आई फिक्स द टाइम ऑफ टेकिंग लाइव स्ट्रीमिंग वाज अबाउट 6:30 ड्यू टू सम इश्यूज आई कुड नॉट डू दैट नाउ प्लीज टेल मी एम आई ऑडिबल और इज द वीडियो क्लियर टू यू क्या आपको आवाज मेरी आ रही है चलिए लव यू स्केच आर्ट्स गुड इवनिंग सर यस गुड इवनिंग अंशुल सिंह यस सर गुड इवनिंग यस प्रियल किड्स आर्ट्स गुड इवनिंग ओके एवरीवन गुड इवनिंग वेल यू स्टेड इन द चैनल आई मीन यू स्टेड इन द वीडियो एंड यू जस्ट एक्सपेक्टेड दैट अ वीडियो विल बी रिसीव्ड अ वीडियो विल बी डिलीवर्ड टू यू फाइन सो टुडे यू केप्ट पेशेंस एंड You would exactly get a very good class today. So, Kavita Singh, good evening, sir. Anjali Singh, good evening, sir. Love you all. Okay, everyone, good evening. तो सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. बोल करके मुझे समझ में आ जाएगा कि yes, you are all getting my voice. I mean, I am audible perfectly. So, those who could not join the class so far, जो अब तक class join नहीं कर पाए. ऑडिबल हूं सर जी आप लोग बताएं मुझे यस 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 यानी कि मैं हाँ मैं खुद को सुन पा रहा हूं इसका मतलब है ठीक है यस सर यू आर ऑडिबल ठीक है चलिए तो शुरू करें हम लोग अपने क्लास यू कह लें कि वी हैव ऑलरेडी स्पेंड यू नो हाफ एन आवर हम लोग का वक्त आधे घंटे ऐसे ही यूं ही हम लोग का चला गया है तो जो लोग अब तक जुड़े नहीं हैं उन लोगों को जरा रिक्वेस्ट कर दें या फिर शेयर कर दें वीडियो को उन लोगों को खबर कर दें कि वे लोग जल्द से जल्द क्लास में आ जाएं ठीक है चलिए तो शुरू करें हम लोग अपना क्लास पिछले क्लास देखिए ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे सिर्फ इतना कहेंगे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी का हम लोगों ने टेस्ट किया था 20 क्वेश्चंस थे एंड अप्रोक्सीमेटली यू आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस लीविंग वन और टू एक दो छोड़कर के आपने सारे जवाब दे दिए So that was a very good class. You can say कि आपने अच्छा class attend भी किया, right? Okay. चलिए शुरू करते हैं figures of speech. आज का जो class है हम लोगों का क्या है? Figures of speech. जो लोग अब तक नहीं जुड़े हैं, आप उन्हें share कर सकते हैं, उन्हें आप inform कर सकते हैं that you just joined the class. Due to some reasons, I could not join the class. I mean, I couldn't take the class. I took the classes, but you were not getting an audio. So, आप लोग को ऑडियो नहीं मिला था सो दैट यू नो द वीडियो वाज यू नो परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम द चैनल सो वंस अगेन देयर इज अ न्यू वीडियो फॉर यू देयर इज अ न्यू क्लास फॉर यू ठीक है आपके लिए फिर से एक नया क्लास आपके सामने विद फुल एंथुसियाज्म पूरे जोश के साथ हैं आप लोग भी पूरे जोश के साथ रहिए आज का क्लास कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट वैसे ईच एंड एवरी क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई एंड आई विल डिलीवर अ वेरी गुड क्लास टू यू ऑल सभी लोगों को मैं अच्छी क्लास दूंगा कोशिश पूरी रहेगी ठीक है सिर्फ छह ही लोग देख रहे हैं जरा प्लीज शेयर द वीडियो ओके लव यू स्केच आर्ट्स यस सर ओके यस सर ओके ठीक है चलिए अच्छी बात है तो शुरू करें हम लोग क्लास फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है ये फिगर्स ऑफ स्पीच देखिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है दिस इज नॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच राइट वी आर लर्निंग टुडे फिगर्स ऑफ स्पीच देखिए सीटेट एग्जामिनेशन में ये यूं कह दे कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे जुड़ा जो आज टॉपिक पढ़ेंगे ना जो भी टॉपिक पढ़ेंगे इससे जुड़ा क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं आप इतना तो जरूर मान लें कि 2-3 marks तो श्योर शॉट है 2-3 marks तो इससे आएंगे ही आएंगे और आप इनका जवाब आसानी से दे पाएंगे ठीक है सो सेवन आर वॉचिंग नाउ प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज यू नो As quick as possible, as much as possible, as early as possible, jitna jaldi, as soon as possible, kuch bhi keh dijiye. The figure of a speech hai kya? A figure of a speech is the usage of words and phrases to make the meaning more clear and pointed and the language more graphic and vivid. Dekhi, figure of a speech hai kya? Aap yun keh le, ye words aur phrases ka istemal hona. Words aur फ्रेजेस का इस्तेमाल होना ताकि सेंटेंस जो है ना ज्यादा ही यू नो लैंग्वेज ज्यादा ही क्लियर रहे ठीक है
मोर मीनिंगफुल, मतलब टू मेक द मीनिंग मोर क्लियर, मीनिंग पूरी तरह से क्लियर कर दे, ठीक है, एंड पॉइंटेड टू द पॉइंट. कहने का मतलब क्या है, इसको यूं समझ ले कि फिगर ऑफ स्पीच है क्या, वर्ड्स और फ्रेज का इस्तेमाल होना ताकि क्या हो सके, टू मेक द मीनिंग मोर क्लियर, ताकि मीनिंग पूरी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है. स्किल्स गेमिंग, गुड इवनिंग सर, यस गुड इवनिंग. नाइन आर वॉचिंग, करण कुमार, गुड इवनिंग सर, यस करण कुमार, गुड इवनिंग. आप चैनल पर बने रहे, वीडियो में बने रहे, इस बात के लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आप सभी का. चलिए, जब आप वेट किए हैं तो आपके सामने एक ब्यूटीफुल क्लास, आमीन, आपके लिए एक अच्छा क्लास होना भी चाहिए, ठीक है. आप दिल खोलकर सवाल कर भी सकते हैं, अगर मतलब क्लास आपको कहीं डाउट्स लगा हो तो इस बीच में आप पूछ सकते हैं, राइट. लेकिन पहले मुझे पढ़ाने दीजिए, है ना. चलिए, फिगर ऑफ स्पीच है क्या, ये वर्ड्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल होना टू मेक मीनिंग मोर क्लियर एंड पॉइंटेड एंड द लैंग्वेज मोर ग्राफिक एंड विविड, ठीक है. आज के इस फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग कितने सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे. टुडे वी विल लर्न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 पॉइंट्स. आज हम लोग 9 पॉइंट्स कवर करेंगे इस फिगर्स ऑफ स्पीच में, ठीक है. सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, सिमिली. क्या है ये, सिमिली. वी डू नॉट प्रोनाउंस इट एज सिमाइल और यू नो स्माइल, ऐसा इसको नहीं पढ़ते. वी प्रोनाउंस इट एज सिमिली, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिमिली पढ़ते हैं, राइट. है क्या सिमिली, अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बाय यूजिंग द वर्ड्स एज, सो और लाइक. कहने का मतलब क्या है, सिमिली क्या है, सिमिली वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो चीजों को कंपेयर किया जाता है. किस शब्द का इस्तेमाल करके, एज का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, सो का इस्तेमाल भी करके कर सकते हैं, इवन दो लाइक का भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं. ये है सिमिली. आप इसके एग्जाम्पल्स में, आप जब इसका एग्जाम्पल देखेंगे ना तो आपको और अच्छा समझ में आएगा सिमिली है क्या. आप यूं कह ले, मैंने क्या कहा कि सिमिली, सॉरी, फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, ये वर्ड्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल होना ताकि मीनिंग मोर क्लियर हो सके, ज्यादा ही ग्राफिक लैंग्वेज दिखे और विविड दिखे, ठीक है. लेकिन सिमिली है क्या पढ़ेंगे, सिमिली वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो चीजों को कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है बाय यूजिंग द वर्ड्स, किन शब्दों का इस्तेमाल करके, एज, सो और लाइक का इस्तेमाल करके, ठीक है. जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या दिया, ही इज एज गुड एज आई एम, वो इतना अच्छा है जितना मैं, या यूं कह ले वो उतना अच्छा है जितना कि मैं. पहला एग्जाम्पल मैंने एज का इस्तेमाल किया. अगला देखिए, हिज हार्ट इज लाइक गोल्ड, उसका जो दिल है ना सोने की तरह है. उसका जो दिल है वो किसकी तरह है, सोने की तरह है. जैसे मैं बोल दूं ही इज लाइक फ्लां फ्लां फ्लां, जैसे मैंने बोला यहां पर ही इज लाइक अ लायन, वो किसकी तरह है, लायन की तरह. ही इज लाइक अ लायन, कहने का मतलब है कि शेर दिल इंसान है, वो शेर की तरह है. वो मतलब क्या है, उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा लाइक का इस्तेमाल करके सेंटेंस को थोड़ा खूबसूरत बना दिया. जैसे ही इज लाइक अ लायन, मतलब दिलेर है, बहादुर है, तो ही इज लाइक अ लायन, उसका दिल बहुत अच्छा है. इसलिए मैंने क्या कहा, हिज हार्ट इज लाइक गोल्ड, मतलब उसका जो दिल है सोने की तरह है. तो ये है, यहां पर लाइक का इस्तेमाल किया मैंने, यहां भी लाइक का इस्तेमाल किया मैंने, यहां पर मैंने एज का इस्तेमाल किया. तो इस तरह का वर्ड अगर आप सेंटेंस में देखने को मिलता है तो आप आसानी से खोज पाएंगे कि ये क्या है, सिमिली, ठीक है. तो मैंने क्या कहा, हिज हार्ट इज लाइक गोल्ड, उसका जो दिल है किसकी तरह है, सोने की तरह है. तो यहां पर लाइक क्या है, मतलब सोने की तरह है, मतलब बहुत अच्छा है. तो ये लाइक क्या है, ये सिमिली है. बात समझ में आ गया. तो ये बहुत मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है. एक्सक्यूज मी. चलिए, अगला टॉपिक क्या है हमारे सामने, एक्सक्यूज मी वन सेकेंड. ओके, मेटाफोर. अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेकेंड पॉइंट क्या है, मेटाफोर. ये मेटाफोर है क्या, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ये भी क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है, इन विच वी कंपेयर वन थिंग विद अनदर डिफरेंट थिंग.
जिसमें हम लोग एक चीज को दूसरे चीज से तुलना करते जरूर है विदाउट यूजिंग एज और लाइक, बिना इस्तेमाल किए हुए, क्या चीज का इस्तेमाल किए हुए, एज और लाइक का बिना इस्तेमाल किए हुए हम लोग क्या करते हैं, जब एक चीज को दूसरे चीज से तुलना करते हैं तो उस समय वो फिगर ऑफ स्पीच क्या कहलाता है, मेटाफॉर कहलाता है। थोड़ा सा पॉइंट को समझिए मैंने क्या कहा, यहां एग्जाम्पल्स देखिए आप अच्छा से, एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा आपको। मैंने बोला शी इज एन एंजल, वो क्या है, परी है। मैंने अगर मैं बोलता शी इज लाइक एन एंजल, मतलब बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि परी के मानिंद है, परी की तरह है, तो जैसे मैं बोलता शी इज लाइक एन एंजल, वो एंजल की तरह है, तो वहां पर लाइक क्या होता, सिमिली होता, लेकिन मैंने बोला शी इज एन एंजल, वह एक परी है, कहीं ना कहीं मैंने भी यहां पर तुलना किया लेकिन बिना लाइक का इस्तेमाल करके किया, ठीक है। मैंने यहां पर शी इज लाइक एन एंजल भी लिख सकता था, वो भी सही होता, लेकिन शी इज लाइक एन एंजल लिखता तो वो लाइक सिमिली कहलाता, और शी इज एन एंजल मतलब वो परी है, परी तो वह है नहीं लेकिन क्या, परी की तरह है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिएगा, अगला एग्जाम्पल, हिज हार्ट इज गोल्ड, उसका जो दिल है सोना है, यानी आप यूं कह ले कि उसका दिल जो है सोने की तरह है, कह तो सकते हैं ना, लेकिन बिना हमें लाइक और एज का इस्तेमाल किए, बिना हमें इस्तेमाल थोड़ी सेंटेंस को लिखना है, तब ये क्या कहलाएगा, मेटाफॉर कहलाएगा। दोनों को अगर देखिएगा तो ज्यादा डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन सिर्फ इसमें लाइक का इस्तेमाल किया गया है और इसमें लाइक का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन मीनिंग कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा होगा कि कंपैरिजन हो ही रहा है, तुलना हो ही रहा है। His heart is gold, उसका जो दिल है सोना है, क्या है, सोना है, ये यूं कह रहे हैं उसका दिल, मतलब उसका दिल सोना है, मतलब दिल सोना तो नहीं हो सकता, मतलब सोने की तरह है, राइट। तो आप यूं कह रहे कि इसमें लाइक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बिना लाइक का इस्तेमाल किए हुए, बिना एज का इस्तेमाल किए हुए, जब कोई चीज दूसरे चीज से कंपेयर होता है तो उस समय उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं हम लोग, मेटाफॉर कहते हैं। दिखने में सेम लगेगा, सिमिली की तरह, लेकिन वो मेटाफॉर है, क्यों, क्योंकि उसमें लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बात समझ में आ गया। अगला, ही इज अ लायन, ही इज अ लायन, मैंने क्या लिखा, ही इज एन एंजल, सॉरी शी इज एन एंजल मैंने बोला, ठीक उसी तरह से मैंने एग्जाम्पल दिया, ही इज अ लायन, वो शेर है, वो शेर थोड़ी ना है, शेर शेर हो सकता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि वह शेर है तो वो शेर की तरह है, कहीं भी किसी जगह पर हर काम को करने के लिए तैयार रहे, शेर है मेरा बच्चा या फिर मेरा जो भी कहे बेटा शेर है भाई, तो मेरा बेटा शेर है तो जानवर थोड़ी ना, मतलब वो क्या है, शेर है मतलब बहादुर है, ठीक है। तो यहां पर मैंने ही इज लाइक अ लायन नहीं बोला, मैंने मैंने बोला ही इज अ लायन, वो क्या है, शेर है। बात समझ में आ गया। तो इसी को कहते हैं हम लोग मेटाफॉर। अब तक आप लोग मुझे बताएं, मैंने दो पॉइंट्स को समझाया फिलहाल, मैंने यू नो जस्ट नाउ आई मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट टू पॉइंट्स, वन इज सिमिली एंड सेकंड वन इज मेटाफॉर। इन दोनों में अब तक जो भी पढ़े, किसी तरह का कोई डाउट से तो मुझे बताएं, यस डाउट से तो बोलिए यस, कहां डाउट से वो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर बोलिए नो। देखिए अगर डाउट्स है तो आप बोल दीजिए यस आई हैव डाउट्स, और नहीं है तो नो आई हैव नो डाउट्स, ऐसा भी कह सकते हैं। सिमिली आप इतना समझ लीजिए, दो चीजों को तुलना करना लाइक एज या सो का इस्तेमाल करके, और मेटाफॉर दो चीज को यानी एक चीज को दूसरे चीज से तुलना करना बिना लाइक और एज का इस्तेमाल किए हुए, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। लव यू आर्ट्स ड्रॉइंग, किसी तरह का कोई डाउट्स है, क्या बात है, वीडियोस के शेयरिंग में कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रहा है। एट द मोमेंट नाउ 9 आर वॉचिंग, आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन द क्लास, आई वॉन्ट यू टू यू नो दिस क्लास रियली रियली वेरी गुड क्लास, यू विल गेट अ लॉट फ्रॉम दिस क्लास टू, आपको इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। It is what, not I am not guaranteeing, but it's true that you will get a lot of things from this class. Chali, to simile or metaphor mein mujhe nahi lagta ki kisi tarah ka koi doubts hoga. Okay, I have no doubts. No doubts, sir. Okay, thank you. Agla point, personification. Kya padhenge?
personification. ये है क्या? देखिए, मैंने ये कहा है ब्रदर, पहले ये कहा कि सीटेट में अमूमन एक या दो मार्क्स या तीन मार्क्स का क्वेश्चन जरूर फिगर्स ऑफ स्पीच से आता है. तो आज का ये क्लास अगर अच्छे से अटेंड कर लेंगे, होपफुली यू विल नॉट गेट द डाउट्स, आपको डाउट्स नहीं होगी. यू कैन इजीली अचीव योर टू और थ्री मार्क्स विदाउट एनी प्रॉब्लम फेसिंग एनी प्रॉब्लम एनी हेजिटेशन. चलिए, अब ये पर्सनिफिकेशन होता क्या है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच. ये है क्या? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच अ थिंग एन आइडिया और एन एनिमल. समझते जी मैं क्या बोल रहा हूं. ये है क्या पर्सनिफिकेशन? क्या है? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कोई चीज, कोई आइडिया, कोई जानवर इज प्रेजेंटेड एज लिविंग बींग्स. मतलब कोई चीज, कोई आइडिया या कोई जानवर, एनिमल, जिसे दर्शाया जाता, प्रेजेंट किया जाता है लिविंग बींग्स की तरह, जानदार चीज की तरह. ठीक है? दे आर पोर्ट्रेड इन सच अ वे दैट वी फील दे हैव द एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स. कहने का मतलब है इनमें ऐसा, मतलब ये दे आर पोर्ट्रेड, ये ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे यू नो मनुष्य जाति का या मनुष्य का क्षमता उसमें आया हुआ ऐसा. यानी जो मनुष्य के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, जो हम लोग ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल करते हो, वही चीज अगर हम लोग किसी चीज के लिए, कोई आइडिया के लिए या किसी एनिमल के लिए अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो वही कहलाएगा पर्सनिफिकेशन. बात समझ में आ रहा है? चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. टाइम एंड टाइड, ये है क्या? ये कोई थिंग है? अब कोई, मतलब इसको जानवर का नाम तो नहीं कहेंगे. वेट क्या होता है? वेट, वेट जो वर्ड है वो किसके लिए होता है? इंसान के लिए इंतजार करता, मींस इंसान के लिए हम लोग इंतजार करना, इन्हें वेट करना लगाते हैं या किसी और के लिए लगाते हैं? ऑब्वियसली हम लोग इंसान के लिए लगाते हैं वेट करना वर्ड. तो यहां पर वेट करना जो वर्ड है वो किसके लिए लगा रहे हैं हम लोग? टाइम एंड टाइड के लिए. तो ये टाइम एंड टाइड है क्या? बोलते हैं ना समय और ज्वार भाटा, जो बोलते हैं टाइड, किसी का इंतजार नहीं करता. तो ये कोई इंसान थोड़ी ना है, लेकिन यहां पर मैंने वेट वर्ड लगाया. और वेट वर्ड किसके लिए लगाते हैं हम लोग? मनुष्य के लिए लगाते हैं. तो यहां पर ये किसकी तरह एबिलिटी एक्ट कर रहा है? ये इंसान की तरह. कह सकते हैं कोई चीज, कोई आइडिया, कोई एनिमल, ये किसकी तरह वेट, मींस किसकी तरह ये बिहेव कर रहा है? मतलब ह्यूमन बींग. मतलब वेट शब्द हम लोग किसके लिए करते हैं यूज? इंसान के लिए करते हैं. अगला एग्जाम्पल देख लीजिए. द फ्लावर्स बेग्ड फॉर वॉटर. एग्जाम्पल देख लीजिए. द फ्लावर्स बेग्ड फॉर वॉटर. फूल जो है पानी के लिए बेग करना. तो बेगिंग कौन करता है? बेग, बेग में होता है मांगना, चाहे वो भीख मांगना या किसी तरह का मांगना, बोलते हैं ना मांगना. तो ये कौन करते हैं? इंसान करते हैं या फिर कोई जानवर करता है, कोई चीज करता है या फिर कोई आइडिया, ऐसा कौन करता है? करता तो मनुष्य है ना. जब मनुष्य करता है तो वो चीज, वो वर्ड जो मनुष्य के लिए इस्तेमाल होता हो और वही वर्ड आप किसी चीज और आइडिया और एनिमल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो उस समय ये क्या कहलाएगा? पर्सनिफिकेशन कहलाएगा. क्या कहलाएगा? पर्सनिफिकेशन. यानी द फ्लावर्स बेग फॉर वॉटर. फूल पानी के लिए भीख मांग रहा हो, ऐसा थोड़ी ना होता. हम लोग पानी डालते हैं उसके जड़ में, जब वो बच्चे, सॉरी जब बच्चा बोल रहे हैं, जब बीज जर्मिनेट्स होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बीज के लिए, मतलब उसमें हम लोग क्या करते हैं? पानी डालते हैं. तो फ्लावर्स बेग फॉर, तो यहां बेग क्या है? ये पूरा पर्सनिफिकेशन कहलाया. अब यहां देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए. हिज बाइक इज अ रियल ब्यूटी. उसका जो बाइक है सही मानों पे सच्ची सुंदरता है, कह सकते. तो ये ब्यूटी जो वर्ड है ये किसके लिए करते हैं इस्तेमाल? हम लोग ब्यूटी शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ऑब्वियसली हम लोग ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं. ठीक है, लेकिन हमने इसे बाइक के लिए लगा दिया. किसके लिए लगा दिया? बाइक के लिए. तो ये जो शब्द कहलाया पर्सोनिफिकेशन. आप इतना समझ लीजिए, कोई भी चीज, कोई भी आइडिया या कोई भी जानवर के लिए,
मतलब personification होता क्या है? It is a figure of a speech जिसमें कोई चीज, कोई idea, कोई animal ये presented होता है, दर्शाए जाते हैं किसी living being की तरह, यानी human being के लिए। यानी आप यूं कह ले, वो words जो मनुष्य के लिए लग सकता है, I mean जो मनुष्य के लिए अमूमन लगता हो, और वही words अगर आप किसी you know animal thing या आइडिया के लिए अगर लगा रहे तो वो वर्ड ही कहलाएगा personification। उम्मीद है कि यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग अगला पॉइंट, दैट इज फोर्थ पॉइंट। देखिए मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूंगा, जो है यू नो दोज हु हैव अटेंडेड सो लेट, जिन्होंने लेट से अटेंड किया उनके लिए मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा। हाँ, वीडियो में जो नए हैं, जिन्हें ये क्लास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जहां तक हो सके शेयर कर दें, और अगर वो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला पॉइंट, एलिट्रेशन। ये है क्या? एलिट्रेशन क्या है? इट मींस दैट, इसका मतलब ये होता है, द रिपीटेशन ऑफ सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड दैट ऑकर्स इन द वर्ड्स। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन ये वो शब्द होता है, मतलब इट मींस द रिपीटेशन ऑफ सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी वर्ड में कॉन्सोनेंट, सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट का अगर रिपीटेशन हो रहा है, सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड का अगर रिपीटेशन हो रहा है, तो उसी को कहते हैं हम लोग एलिट्रेशन। थोड़ा एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। आप एग्जाम्पल देखिए, यहां पर बेटी बॉटर बॉट अ बिट ऑफ बटर, बेटी बॉटर Bought a bit of butter। आप यहां देखें, ये भी शुरुआत, ये भी शुरुआत, ये भी शुरुआत, ये भी शुरुआत, ये भी शुरुआत। तो कहने का मतलब क्या है? Repetition of same first consonant, पहला ही consonant का बार बार repeat होना ही कहलाता है alliteration। Sentence में पहला consonant है, यानी पहला जो consonant sound है, उसका repetition बार बार हो रहा है, तो वही कहलाएगा आपका एलिट्रेशन। बात सही मारा? अगला एग्जाम्पल देख लीजिए आप। अगला एग्जाम्पल ये है, फ्रॉम फोर्थ द फैटल लर्निंग्स ऑफ दीज टू फोर्स। ये क्या लिखा हुआ? फोर्स ड्यू टू मूवमेंट इट गॉट इरेस्ड। अ पेयर ऑफ यू नो स्टार क्रॉस्ड लवर टेक देयर लाइफ। ठीक है, यहां देखिएगा, ये एफ से शुरू है, ये भी F है, यहां भी F है। अब इस सेंटेंस का दूसरा पार्ट देख लीजिए, यहां भी F है। अब यहां, अब इसको देख लीजिएगा, आपको लवर्स L है, लाइफ L है, और लर्निंग्स L है। तो यहां पर F और L जो है, ये ऐसा कॉन्सोनेंट है जो रिपीट हो रहा है बार बार, ये ऐसा कॉन्सोनेंट साउंड है जो रिपीट क्या हो रही है बार बार। तो ऐसा कोई, आप इतना समझ लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी सेंटेंस जो कॉन्सनेंट साउंड से, पहला कॉन्सनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, और वैसा ही शब्द, चाहे वो मतलब उसी कॉन्सनेंट वर्ड से, उसी सॉरी वर्ड बोल रहे हैं, उसी कॉन्सनेंट साउंड से वो वर्ड पूरा बन रहा हो, और भी वर्ड उसी से जुड़ा हुआ, जो अगर एफ से शुरू हो रहा है तो वो फिर एफ से सारा वर्ड बनता हो। जैसे मैंने क्या कहा, बेटी बेटर बॉट अ बिट ऑफ बटर, ये क्या है? सभी बी कॉन्सनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट ज्यादातर देखा जाए तो यही कहलाएगा एलिट्रेशन। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस हो जिसमें फर्स्ट कॉन्सनेंट साउंड से शुरू होने वाला जो वर्ड होता है, और बार बार वैसा ही फर्स्ट कॉन्सनेंट जो शुरू हो रहा है, और वही चीज अगर पूरे सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो वही कहलाएगा एलिट्रेशन। ठीक है, डाउट्स तो मुझे लग रहा है कि शायद हो रहा है, बाउंस कर रहा है क्या? बाउंस नहीं होगा, बाउंस करने का कहीं जगह ही नहीं है। ठीक है, अगला, विष्णु कह रहे हेलो सर, यस हेलो, ओके, आई हैव नो डाउट्स, तो पहले की चीज है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, एजोनेंस। क्या पढ़ेंगे? एजोनेंस। ये है क्या? एजोनेंस है क्या? यहां पर क्या था? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सनेंट साउंड, फर्स्ट कॉन्सनेंट साउंड, जबकि एजोनेंस में ऐसा नहीं है। एसोनेंस में क्या है? द रिपीटेशन ऑफ वाउल साउंड इन नॉन राइमिंग साउंड। ठीक है, मैंने इसमें क्या किया? इसमें था कॉन्सनेंट साउंड, फर्स्ट कॉन्सनेंट साउंड, जबकि इसमें क्या है? रिपीटेशन ऑफ वाउल साउंड। इसमें क्या है?
रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड है, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। मैंने एग्जांपल क्या दिया, मेन सेल द वेडिंग बेल्स, मेन सेल द वेडिंग बेल्स। आप यहां भी देखिए साउंड क्या है, मेन ई यानी कि ए का साउंड आ रहा है, यानी कि वॉवल, सेल वेडिंग बेल्स। तो कुल मिलाकर के हां एक चीज और ध्यान रखिएगा, एलिट्रेशन के केस में क्या है कि फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, जबकि वॉवल सॉरी एसोनेंस के केस में फर्स्ट वॉवल साउंड मैंने नहीं कहा। यह मिडिल में भी हो सकता है, ठीक है, मिडिल में भी हो सकता है, एट द एंड भी हो सकता है, कुछ भी कह दीजिए। तो कहने एसोनेंस क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड इन नॉन राइमिंग साउंड इज कॉल्ड एसोनेंस, यानी मेन सेल द वेडिंग बेल्स। समझ में आ रहा है सभी को? Are you there in the class or that you have left the class? Maybe that you all have left the class. Let me check. Okay. Thank you. All are watching. I thought like I'm only speaking whether the people are there or not. The viewers are there or not. Or they have moved the class. They have moved to the class itself. Fine. चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा? यहाँ पर क्या है? Alliteration के केस में क्या है? First consonant sound का repetition होना एक sentence में कई बार, तो वो कहलाया एलिट्रेशन। जबकि एसोनेंस के केस में ऐसा नहीं है। एसोनेंस के केस में क्या है, वॉवल साउंड का रिपीटेशन होना है, ठीक है, वॉवल साउंड का रिपीटेशन होना है, ठीक है, उसी को कहते हैं लोग एसोनेंस। आप यहां देखिएगा, मेन सेल वेडिंग वेडिंग बेल्स, अपनी लग रहा है साउंड सेम लग रहा है, सब में ए ए साउंड आ रहा है, मेन बेल्स सेल वेडिंग। अब देखिएगा तो आपको साउंड वॉवल साउंड मिल रहा है। अगला एग्जांपल देखिए, यहां पर गो स्लो ओवर द रोड, गो स्लो ओवर द रोड, गो स्लो ओवर द रोड, यानी यहां पर सब जगह साउंड आपको क्या चीज का मिल रहा है, ऑब्वियसली ओ साउंड मिल रहा है ना, ओ साउंड मिल रहा है ना, तो ये क्या है, वॉवल साउंड है, यानी कि रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड होना ही कहलाता है। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि इसमें फर्स्ट वॉवल साउंड होना चाहिए, जबकि एलिट्रेशन में फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। बात समझ में आ गया? पहला जो सेंटेंस का पहला जो लेटर होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड करता हो, और हर वो वर्ड सेंटेंस में अमूमन होनी चाहिए अक्सर कॉन्सोनेंट साउंड, और वही कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि वही होना चाहिए, इसमें सॉरी इसमें भी आपका सेम ही होना चाहिए, लेकिन वो शुरू में नहीं हो सकता, मिडिल में होगी। जैसे मैंने क्या बोला, मेन सेल द वेडिंग बेल्स, दूसरा गो स्लो ओवर द रोड, तो हर जगह साउंड किस चीज का रहा, ओ क्या है, ठीक है। तो यहां तक तो हम लोग पांच पॉइंट पढ़े हैं। पांच पॉइंट्स में किसी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का डाउट हो। सिमिली मैंने बता दिया, मेटाफॉर भी हो गया, पर्सोनिफिकेशन भी हो गया। पर्सोनिफिकेशन है क्या, मतलब ऐसी कोई चीज, कोई आइडिया, कोई एनिमल के लिए जो वर्ड्स हम लगाते हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए लगता हो और वही वर्ड कहलाएगा पर्सोनिफिकेशन। बात समझ में आ गया? एलिट्रेशन के केस में मैंने बता ही दिया और एसोनेंस के केस में मैंने बता दिया। डाउट्स हो तो मुझे बताएं। लव यू स्केच आर्ट्स बोल रहे हैं, यस सर, लगता है डाउट्स है इनकी। क्या क्लास मेरी फास्ट चल रही है क्या? चलिए अगला पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्सीमोरॉन। अगला पॉइंट क्या है, ऑक्सीमोरॉन ये है क्या? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर जॉइंट टू क्रिएट एन इफेक्ट। तस्लीम अंसारी, नो डाउट सर, ओके थैंक यू। ऑक्सीमोरॉन है क्या, ये ऑक्सीमोरॉन है क्या, ये वो फिगर ऑफ स्पीच है इन विच जिसमें टू अपोजिट आइडियाज, दो अपोजिट आइडियाज, इसका मतलब दोनों का कोई मेल नहीं हो, दोनों एक दूसरे के से क्या है, विपरीत है, उल्टे हैं, जब वो जुड़ते हैं तो क्या है, एक प्रभाव डालता है, प्रभाव तैयार करता है, टू क्रिएट एन इफेक्ट, एक इफेक्ट लेकर के आता है। मैंने क्या कहा, दो अपोजिट वर्ड, दो अपोजिट आइडियाज जब जुड़ते हैं
और वो क्या लाए, एक इफेक्ट लेकर के आ जाए सेंटेंस में, तो वही कराएगा ऑक्सीमोरॉन। आप देखिए पहले सेंटेंस को देखिए, मैंने क्या लिखा है, हिज होमवर्क वॉज कंप्लीटली अनफिनिश्ड, हिज होमवर्क वॉज कंप्लीटली अनफिनिश्ड। इसका मतलब क्या है, उसका जो होमवर्क है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आप देखिए पहले यहां पर मैंने क्या लिखा, कंप्लीटली, ठीक बाजू का वर्ड मैंने क्या लिखा, अनफिनिश्ड। तो दोनों नहीं लग रहा अपोजिट है, दोनों अपोजिट नहीं लग रहा है क्या, दोनों तो अपोजिट लग ही रहा है ना। कंप्लीटली मतलब होता है पूरी तरह से, ऐसा मालूम पड़ता है कि उसने कर लिया, लेकिन अनफिनिश्ड हुआ नहीं है। तो दो ये अपोजिट वर्ड है, दोनों क्या है, अपोजिट वर्ड है। वीडियोस को जो वॉच कर रहे हैं चैनल में, जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जहां तक हो सके शेयर कर दें वीडियो को। चलिए ठीक है, तो आप ये समझिए, हिज होमवर्क वॉज कंप्लीटली अनफिनिश्ड, उसका जो होमवर्क है वो पूरी तरह से क्या कह सकते हैं, अनफिनिश्ड हुआ है, यानी कि कंप्लीटली भी है और अनफिनिश्ड, यूं कह लें ये दोनों अपोजिट वर्ड है, यूं कह लें कि दोनों क्या हो गया, अपोजिट। बात समझ आ गया ना। हाँ, अगर मैं बोलता हिज होमवर्क वॉज कंप्लीटली फिनिश्ड, अगर मैं बोलता हिज होमवर्क वॉज कंप्लीटली फिनिश्ड, यानी यहां पर अपोजिट दिख ही नहीं रहा, दोनों तो सेम मिल रहा है ना, कंप्लीटली फिनिश मतलब पूरी तरह से खत्म हो गया है, तो यहां मालूम पड़ रहा है कि सेम है, लेकिन यहां पर क्या, कंप्लीटली अनफिनिश्ड, दोनों अपोजिट वर्ड हो गया। अगला एग्जांपल देख लीजिए, द क्लास वॉज सीरियसली फनी, द क्लास वॉज सीरियसली फनी। देखो क्लास क्या रहा, कैसा रहा, सीरियसली फनी, सीरियसली भी मैं बोल रहा हूं और फनी भी बोल रहा हूं, ये हो कैसे सकता है, सीरियसली फनी, पता है क्लास कैसा है, सीरियसली कह रहा हूं, पूरा फनी क्लास है, सीरियसली कह रहा हूं। तो क्या है, सीरियसली और फनी ये दोनों अपोजिट वर्ड हो गए, दोनों क्या हो गए, अपोजिट वर्ड हो गए। तो इसी को कहते हैं हम लोग ऑक्सीमोरॉन, क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीमोरॉन। समझ में आया, ओके, आर ऑल देयर, प्रिय किसार, कविता सिंह, अंजलि सिंह, विष्णु कुमार, तस्लीमा सारी, लव यू स्केच आर्ट, लव यू ड्राइंग आर्ट्स, आर ऑल देयर और दैट यू हैव लेफ्ट, नेक्स्ट वन। अब आगे पढ़ते हम लोग, ऑक्सीमोरॉन क्लियर हो चुका ना सभी को, अगला पढ़ते हैं सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट है क्या, सेवेंथ पॉइंट है मेटोनिमी, क्या है, मेटोनिमी। इसका मतलब ये है, इट मींस substitution of name, that is substituting the name of the thing for the name of the thing it actually meant. कहने का मतलब क्या है, metonymy क्या है, ये वो शब्द कह सकते हैं जो किसी शब्द के जगह पर आप substitute कर सकते हैं। substitute का मतलब क्या होता है, किसी के बदले, किसी के बदले, substitute का मतलब क्या होता है, किसी के बदले। जैसे बोलते हैं क्रिकेट में अगर देखा जाए, कोई फील्डर थोड़ा सा थक गया या फिर कुछ भी हो गया, मतलब थक गया या चोट लग गया, उंगली में कुछ हो गया, वो थोड़ी देर के लिए डगआउट में बैठ सकता है, तो उसके जगह पर कोई फील्डर अगर आता है, अगर वो कैच लेता है, तो हम लोग जो भी कहते हैं, जो फील्डर होते हैं उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट फील्डर, यानी उसके जगह पर। पास में आ गया, उसी तरह से मेटोनिमी के केस में क्या है, इट मींस substitution of name, that is substituting the name of the thing for the name of the thing it actually meant. यानी ये एक तरह से एक ऐसा वर्ड है जो दूसरे वर्ड के लिए substitute काम करेगा। अब आप समझ लीजिए, यहाँ पर example बड़ा सुंदर है, he has become a grey hair, he has become a grey hair. grey hair का मतलब होता है, यहाँ पर grey hair जो मैंने लिखा है ये old person के लिए मैंने लिखा, किसके लिए, बुढ़ा इंसान के लिए, किसके लिए, बुढ़ा इंसान के लिए मैंने लिखा है, he has become a gray hair, यानी वो क्या हो गया है, बुढ़ा मतलब बुढ़ा हो गया, क्या हो गया, वो बुढ़ा व्यक्ति हो चुका है या फिर बुढ़ा हो गया, क्योंकि उसका बाल क्या है, सफेद हो गए, इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि he has become a gray hair। तो gray hair की जगह, ये gray hair किसके जगह पर लगा हुआ, इस old person के लिए।
he has become an old person. ये भी कह सकते हैं. He has become an old. वो old हो चुका है. ये भी कह सकते हैं. लेकिन इसके जगह पर मैंने old की जगह पर old person की जगह पर मैंने क्या लिखा? Gray hair. बात समझ में आया? हाँ हाँ. Love you are drawing old man. ठीक बोल रहे हैं. अच्छी बात है. अच्छी बात है. Good luck. बहुत अच्छी बात है. ठीक है. तो इस ग्रे हेयर के जगह पर यानी इस ओल्ड पर्सन के जगह पर मैंने ग्रे हेयर कर दिया. बात समझ में गया? हाँ. He has become an old. या he has become an old man. ये भी बोल सकते हैं. या he has become an old. वो बूढ़ा हो गया है. अगर इसके जगह पर मैं बोल दे he has become a gray hair, यानी फिर यूं कह ले कि वो बूढ़ा हो गया है. ठीक है. अगला सेंटेंस देखिए. द प्रेस इज अ ग्रेट पावर. द प्रेस इज अ ग्रेट पावर. तो ये पावर के जब मैंने इस पावरफुल के लिए मैंने क्या लिखा? ग्रेट पावर. प्रेस क्या है? बहुत बड़ा ताकतवर है, यानी कि पावरफुल है. बात समझ में आया? अगला सेंटेंस देखिए. द बेंच डिसाइडेड द केस. द बेंच डिसाइडेड द केस. ये बेंच है क्या? जो बच्चे लोग बेंच बैठते हैं, बेंच पर बैठते हैं, वो बेंच? ये वो बेंच नहीं है. कोर्ट में क्या होता है ना, कोर्ट में वकीलों का जो आप यू कह सकते हैं जज का या वकील जो भी है, तो एक उनको कहते हैं हम लोग, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 11 जज के होते हैं. आई मे बी रॉन्ग, हो सकते हैं. तो उसको बेंच कहते हैं. क्या कहते हैं? बेंच. जज की जगह पर मैंने यहां पर बेंच लिखा. आप यहां पर जज भी लिख सकते थे. द जज डिसाइडेड द केस. द जजेस या द जज डिसाइडेड द केस, ये भी लिख सकते थे. और इस जगह पर मैंने क्या लिखा? द बेंच डिसाइडेड द केस. तो ये है क्या? मेटोनिमी है. क्या? ये मेटोनिमी. बात समझ आ गया? यानी एक वर्ड के जगह पर जो सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूट वर्ड लगाए हैं उसी को हम लोग कहते हैं मेटोनिमी. मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा. अगला पढ़ते हम लोग हाइपरबली. ये पढ़ते हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबली. इसको पढ़ेंगे. ये है क्या? Hyperbole is exaggeration, which may be used for emphasis and humor. It is used to make any boring thing more interesting. ये है क्या? Hyperbole एक आप ऐसा figure of speech कह सकते हैं जो बढ़ा चढ़ा करके कहना sentence में boring things को भी more interesting बना देता है. ये hyperbole. ये ऐसा figure of speech है जिसमें सेंटेंस में क्या होता है ना, बढ़ा चढ़ा करके बोलना. जैसे बोलते नहीं हम लोग कभी भी किसी को अगर मैं बोलूं कि कहाँ है वो, क्या कर रही है वो, या फिर क्या कर रहा है वो, कुछ नहीं, घोड़ा बेच करके सो रहा है, घोड़ा बेच करके वो सो रहा है या सो रही है. तो वो सो रही है, ये बात तो ठीक है, लेकिन घोड़ा बेच कर सो रही है ऐसा लोग कहते हैं. तो ये बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया गया. इसी को कहते हैं हम लोग हाइपरबली. बात समझ में आ गया? हाइपरबली कैसे किसे बढ़ा चढ़ा करके बोलना. अब एग्जांपल देख लिए. शी इज सो हंग्री. इतनी भूखी है वो. शी कुड ईट हॉर्स. इतनी भूखी है ना कि घोड़ा भी खा सकती है. मतलब घोड़ा भी सामने आ जाए ना वो, तो घोड़ा भी खा लेगी. तो मतलब वो बहुत ज्यादा भूखी है. शी इज सो हंग्री. तो क्या है? घोड़ा तो खा नहीं सकता, लेकिन बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया गया है. बात समझ में आ गया? शी इज सो हंग्री शी कुड ईट अ हॉर्स. मतलब इतनी भूखी है, इतनी वो भूख लगा हुआ है कि वो घोड़ा भी सामने आ जाए ना तो खा लेगा. ऐसा होता नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा भूखी है. तो चार रोटी में तो फिर टाइडा हो जाता है इंसान. नेक्स्ट. माई ब्रेन इज अ साइज ऑफ अ पी. मेरा जो दिमाग है ना वो क्या है? एक पी के साइज की तरह है. पी आप समझ सकते हैं क्या कह सकते हैं, मटर छिमी कह सकते हैं ना. तो बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या है? ब्रेन का साइज ये है. तो किसी भी सेंटेंस में कुछ आप बढ़ा चढ़ा करके अगर बोल रहे हो उसके बारे में, जैसे वो सो रही है, घोड़ा बेच करके सो रही है, तो ऐसा होता नहीं है. शी इज स्लीपिंग एज इफ लाइक, जो भी कह सकते हो, घोड़ा बेच करके सोना, तो वो क्या कहलाएगा? हाइपरबोली. उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. चलिए आज का आखिरी जो पॉइंट है वो क्या है? अनोमेटोपिया. क्या है? अनोमेटोपिया. ये है हम लोगों का अनोमेटोपिया. ये है हम लोगों का नौवां पॉइंट, यानी नौवां पॉइंट. इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इमिटेट्स नेचुरल साउंड ऑफ थिंग. ये वो फिगर ऑफ स्पीच है.
जो इमिटेट करता है, इमिटेट मतलब होता है आप उसे कह सकते हैं नकल करना तो नहीं कह, हाँ इमिटेट करना, नकल करना ही कह सकते हैं. द नेचुरल साउंड ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, पहले किसी को अगर उसके यू नो आवाज, जो जानवर हो, जो पक्षी हो, उसके आवाज से अगर आप, उसके आवाज से अगर आप बता रहे हैं तो वो क्या कराएगा, ऑनोमेटोपिया. अब देखिए एग्जाम्पल में देखिए, द बजिंग बी फ्लू अवे. बजिंग बी, बजिंग मतलब भिनभिनाना होता है, भिन 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 करना, उसे कहते हैं बज करना. तो द बजिंग बी फ्लू अवे, द बजिंग बी फ्लू अवे, जो भिनभिनाता हुआ जो बी है वो उड़ गया. ठीक है, तो यहां जो बजिंग है ना, यही कराएगा आपका ऑनोमेटोपिया. अगला क्या है, द ग्रंटिंग कैमल्स, द ग्रंटिंग कैमल्स. अब कैमल जो है, कैमल का जो भी साउंड होता है, जो भी मतलब जो उसका आवाज होता है, उसे बोलते हैं ग्रंटिंग. द ग्रंटिंग कैमल्स रोम्ड फॉर वाटर. ग्रंटिंग कैमल्स पानी के लिए वॉन्डर्ड किया, या फिर इधर उधर पानी के लिए वो घुमा. तो यहां पर क्या है, ये जो ग्रंटिंग है ना, यही कहलाया ओनोमेटोपिया. और यहां पर बजिंग क्या है, यही वो कहलाया. बात समझ में आ गया. चलिए, तो आज की क्लास में ज्यादा तो लोग जुड़े नहीं, 40 मिनट की क्लास अब तक रह चुकी है. यहां तक किसी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे बताएं. सिमिली मैंने बताया, ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो चीजों को तुलना करें, ठीक है, एज सो और लाइक का इस्तेमाल करके. मेटाफर क्या है, जब एक चीज को दूसरे चीज से तुलना करें बिना लाइक का इस्तेमाल किए, बिना एज का इस्तेमाल किए. पर्सोनिफिकेशन क्या है, वो चीज या वो आइडिया, वो एनिमल के लिए जो वर्ड लगे, वो मनुष्य के लिए लगने वाला जो वर्ड होता है, वही चीज, वही वर्ड अगर किसी चीज और आइडिया और एनिमल के लिए लग जाए तो वो कहलाएगा पर्सोनिफिकेशन. मैंने लिखा था फ्लावर्स बेग फॉर वाटर, फ्लावर्स पानी के लिए बेग किया, जबकि बेग इंसान के लिए लगने वाला वर्ड होता है. ठीक है, एक्सक्यूज मी, एलिट्रेशन है क्या, यानी कि फर्स्ट कॉन्सनेंट साउंड का रिपीटेशन होना सेंटेंस में हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह, तो वो कहलाएगा आपका एलिट्रेशन. बेटी बॉटर बॉट अ बिट ऑफ बटर. इसमें आप देखिएगा, इस सेंटेंस में देखिएगा क्या, हर वर्ड जो है ऑलमोस्ट बी कॉन्सनेंट साउंड से जो शुरू हुआ है वो सभी में है, तो ये क्या कह रहा है, एलिट्रेशन. यहां पर एजोनेंस के केस में क्या है, सेंटेंस में क्या है, वॉवल साउंड का रिपीटेशन होना. ठीक है, शुरू में नहीं, शुरू वाला कौन सा वॉवल साउंड नहीं, सेंटेंस में रिपीटेशन होना. जैसे मैंने क्या लिखा, मेन सेल द वेडिंग बेल्स, तो मेन में ए साउंड, यहां पर मेन करके मतलब ये साउंड आ रहा है, ए साउंड यहां भी आ रहा है, सेल में भी साउंड आ रहा है, वेड में आ रहा है, वेडिंग में भी आ रहा है, बेल्स में भी आ रहा है. यहां देखिए, गो स्लो ओवर द रोड, तो गो में ओ साउंड स्लो में भी, ओवर में ओ साउंड और रोड में भी ओ साउंड. तो ये है क्या, एसोनेंस है. अगला ऑक्सीमोरॉन क्या है, यानी कि दो अपोजिट वर्ड अगर एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि उसका कुछ इफेक्ट दिखे. जैसे मैंने क्या बोला, हिज होमवर्क वॉज कंप्लीटली अनफिनिश्ड, उसका होमवर्क पूरी तरह से फिनिश होना चाहिए था, लेकिन उसका होमवर्क पूरी तरह से अनफिनिश्ड है. तो कंप्लीटली और अनफिनिश्ड, ये क्या कहलाया, ऑक्सीमोरॉन कहलाया. ठीक है, मेटोनिमी क्या क्या है, मेटोनिमी मतलब क्या होता है, किसी वर्ड की जगह पर कोई एक सब्स्टिट्यूट वर्ड लगा देते हैं तो वो कहलाया मेटोनिमी. जैसे मैंने क्या बोला, ही हैज बिकम अ ग्रे हेयर, वह क्या हो गया है, एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया है, ओल्ड पर्सन हो गया है, तो ओल्ड पर्सन की जगह पर मैंने क्या लिखा है, ग्रे हेयर. बात समझ गया. द बेंच डिसाइडेड द केस, बेंच ने क्या किया, केस डिसाइड किया. तो यहां बेंच है क्या, जज है, तो जज ने क्या, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, इंस्टेड ऑफ राइटिंग जज, आपने क्या लिखा, बेंच, यानी ये सब्स्टिट्यूट काम किया. हाइपरबोली मैंने क्या कहा, कि किसी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को अगर आप बोले तो बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हो, तो वहां पर वो क्या करेगा, हाइपरबोली. शी सो हंग्री सो शी कुड ईट अ हॉर्स, इतनी भूखी है कि वो घोड़ा भी खा सकती है, तो ऐसा हो नहीं सकता है. और अगला लास्ट ऑनोमेटोपिया, ये है क्या, ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जानवर या कोई चीज का जो साउंडिंग होता है, जो साउंड होता है, जो उसका बोली, उसका साउंड, उसका जो अगर वर्ड यूज हो रहा हो तो वही कहलाएगा ऑनोमेटोपिया. जैसे द बजिंग बी, तो द बजिंग बी ये किसके लिए, बी के लिए लग रहा है, बजिंग, फ्लू अवे. द ग्रंटिंग कैमल्स, द मीविंग कैट्स, ठीक है,
इस तरह से जो भी जानवर के जो भी जानवर या पक्षी के जो आवाज आता है, ठीक है, द बीटिंग ड्रम आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है ओनोमेटोपिया। आज की क्लास को हम लोग थोड़ा सा टेस्ट भी लेना चाह रहा था, मैं जो मैं पढ़ाया उसका टेस्ट भी लेना चाह रहा था, लेकिन कुछ लेट ज्यादा हो गया है, इसलिए कल हम लोग फिर से क्लास रखेंगे। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट रह गया हो तो कल इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि कोई डाउट्स नहीं रहा होगा, लेकिन अगर कोई डाउट्स है तो वो कल पूरा हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब अलविदा लेने का समय आ चुका है। आप लोग आज के क्लास में बने रहे। दो आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट माई क्लास एट 6:30 एंड फॉर्चुनेटली आई कुडंट स्टार्ट माई क्लास एट 6:30। आई हैड टू स्टार्ट माई क्लास एट 7 o'clock बिकॉज ऑफ सम रीजंस। सो होप सो हम लोग फिर से मिलेंगे कल सेम 6:15 या 6:30 को। चलिए ज्यादा देर ना करें, अब समय आ गया हम लोग का जाने का, ठीक है। गुड नाइट, शब खैर।